back to another video of Commerce Academy. So guys, last video में हम लोगों ने देखा, previous video में debit card क्या होता है, आपका NEFT, RTGS. आज हम लोग start करने वाले हैं insurance. Main topic आज का है insurance. पर insurance start करने के पहले एक छोटा सा topic रह गया था, तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी कर दिया जाए. Okay? So एक था credit card. Credit card. हम लोगों ने debit card देखा. अब क्रेडिट कार्ड को भी क्यों छोड़े, ये भी कर लेते हैं. सो इंश्योरेंस स्टार्ट करेंगे, जस्ट 2 मिनट लगेगा. क्रेडिट कार्ड क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ. क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड जो क्रेडिट देती हो. क्रेडिट मींस उधार. एक ऐसा कार्ड जो उधार देती हो. देखिए कार्ड भी उधार देने लगे हैं. ओके सो एक कार्ड है, इसमें आपका बैलेंस है. ये क्रेडिट कार्ड है, बैलेंस है आपका 1 लाख. पर आप जब गुड्स या सर्विस कुछ भी खर्चा करोगे, कुछ भी खरीदोगे, तो आप इससे पेमेंट कर सकते हो 1.5 लाख. अब ये कैसे, 50 लाख एक्स्ट्रा हो गया, तो 50 लाख का क्रेडिट मिल गया आपको. तो ये जरूरी नहीं है 50,000 एक्स्ट्रा हो सकता है. एक लिमिट सेट करती है बैंक, वो लिमिट 20,000 भी हो सकती है. एक लिमिट है कि जितना बैलेंस रहेगा उससे ऊपर और 25,000, मान लो 25,000 लिमिट सेट कर दिए, तो आपके बैंक में है 1 लाख रुपीज, आप और 25,000 क्रेडिट ले सकते हो बैंक से. इसी को कहा जाता है क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑथराइजिंग द होल्डर टू बाय गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट. ओके सो एकदम छोटा सा डेफिनेशन है, सिंपल एंड स्वीट. सो आपको जैसे कोई गुड्स एंड सर्विस खरीदे, आपके पास 1 लाख रुपीज है, आपने कुछ सामान खरीदा, लिमिट था आपका 25,000 तक का लिमिट है, तो टोटल हो गया 1,25,000. आपने कुछ गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज किए, उसका हो गया 1,10,000. तो बैलेंस है 1 लाख, ये आपका बैलेंस है, 1,10,000 हो गया, तो आप पे कर सकते हो. तो आप पे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड. ओके समझ में आ गया. सो अब बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक जो कि है इंश्योरेंस. नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इंश्योरेंस कंपनी. बार बार आप सुनते होंगे इंश्योरेंस करवा लो, ये करवा लो. सो घर में सुने होंगे दोस्तों से, कहीं ना कहीं तो आपने इंश्योरेंस सुना तो होगा ही. तो होता क्या है इंश्योरेंस, क्या है इंश्योरेंस? भरपाई करता है जो लॉस होता है, उसके बदले में कुछ पैसे लेता है जिसे प्रीमियम बोलते हैं, और रिस्क कवर करता है. रिस्क कवर करने का काम किसका है? इंश्योरेंस कंपनियों का है. तो चलिए अच्छे से देखते हैं होता क्या है. इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज. दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेयर वन पार्टी एग्री टू कवर द लॉस सफर्ड बाय द अदर पार्टी. एक पार्टी एग्री होता है कि मैं आपका लॉस कवर करूंगा. कौन एग्री होगा? इंश्योरेंस कंपनी. देखेंगे आगे. इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी, वेयर वन पार्टी एग्री टू कवर द लॉस सफर्ड बाय द अदर पार्टी फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ सम मनी. ऐसे ही रिस्क कवर नहीं करेगा, कुछ पैसे लेगा, जिसको बोलते हैं हम बोलते हैं प्रीमियम. ये मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है. सो नोन एज प्रीमियम. सो कुछ पैसे लेगा और रिस्क कवर करेगा एक पार्टी, जिसे हम इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं और जिसे हम इंश्योरर के नाम से भी जानते हैं. द पार्टी व्हिच प्रॉमिस्ड टू कवर द लॉस इज कॉल्ड इंश्योरर. इंश्योरेंस पॉलिसी, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी. ओके एंड इंश्योर्ड इज द इंडिविजुअल और फर्म हु गेट कंपेंसेशन. और इसको कंपेंसेशन मिलेगा. ओके एक इंडिविजुअल है या फिर कोई फर्म भी हो सकता है जिसको कंपेंसेशन मिलेगा. किससे? इंश्योरर से. इंश्योरर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी. ओके सो ये है इंश्योरेंस. इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, वेयर वन पार्टी एग्री टू cover the loss suffered by the other party for a consideration of some money known as premium. Insurer कौन है? The party which promised to cover the loss. Party जो promise कर रहा है कि मैं आपका loss को cover करूँगा. Okay? और insured कौन है? Is the individual or firm who get compensation or loss. Okay? अब देखते हैं functions of insurance. Insurance का function क्या क्या है? Providing certainty. ये सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है कि इंश्योरेंस कैन नॉट रिमूव द अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी तो नहीं हटा सकता, फ्यूचर तो अनसर्टेन है. क्या होता है? आग लग जाए बिजनेस,
का कुछ भी लॉस हो सकता है, आग लग जाए, चोरी हो जाए, ये तो नहीं हटा सकता, बट ये कर सकता है कि इट प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट फॉर द रिस्क लॉस। ये सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट पेमेंट कर सकता है जो रिस्क लॉस होगा, लेकिन उसके बदले में आपको इंश्योरेंस करवाना होगा, प्रीमियम देना होगा, तब जाके होगा। सो ये एक फंक्शन है प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस कैन नॉट स्टॉप द हैपनिंग ऑफ रिस्क, जो मैंने अभी बोला एक ही है, रिलेटेड है दोनों। कवर इंश्योरेंस कैन नॉट स्टॉप द हैपनिंग ऑफ रिस्क, रिस्क तो ये खत्म नहीं कर सकता है, पर हाउएवर इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, प्रोटेक्शन दे सकता है, कुछ पेमेंट कर सकता है। मान लो आप इंश्योरेंस करवाया हो, तो अगर मान लो दुकान में आग लग जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ओके, रिस्क शेयरिंग, रिस्क इज शेयर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैसे, जैसे कि ये इंश्योरेंस कंपनी है, मान लो ये इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी बहुत लोग प्रीमियम देते हैं, ये सर नो, बहुत लोग प्रीमियम देते हैं, लाखों लाखों लोग रोज प्रीमियम देते हैं, मंथली क्वार्टरली जो भी देते हो। पर अगर से मान लो इसमें से एक बंदे को, इस बंदे को मान लो देखते हैं, ये बंदे को, ये बंदे का कुछ प्रॉब्लम हो गया, मान लो रिक्स क्या, मान लो कि एक्सीडेंट हो गया, ओके कार का एक्सीडेंट हो गया, तो प्रीमियम सबसे लेती है, तो किसी एक को शेयर, ये शेयरिंग होता है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, उसी प्रीमियम में से पैसा एक रिक्स कवर कर देती है किसी एक का। तो ये ऐसे चलता है, अपने जेब से नहीं देती है, ये प्रीमियम कलेक्ट करती रहती है, और जब प्रीमियम तो कलेक्ट होता रहता है, उसी प्रीमियम के पैसों से ये अपना रिस्क शेयर भी कर देती है, किसी पार्टी को दे देती है, ओके इंश्योर्ड को दे देती है। फिर असिस्ट इन कैपिटल फाउंडेशन, द फंड कलेक्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, जो फंड कलेक्ट करती है इंश्योरेंस कंपनी किस नाम से, प्रीमियम के नाम से, आर इन्वेस्टेड बाय देम इन वेरियस इनकम जनरेटिंग स्कीम। वो लोग ऐसे मान लो लाखों लाखों लोगों से प्रीमियम कलेक्ट करके वो रखी नहीं रहती है यहाँ पे स्टॉक करके, वो भी अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है, इंश्योरेंस कंपनी भी अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है। ओके, सो ये था फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, प्रोटेक्शन, रिस्क शेयरिंग, असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, असिस्ट मतलब हेल्पिंग इन कैपिटल फॉर्मेशन। सो आई होप आपको इतना तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस भी कुछ प्रिंसिपल्स पे चलती है, ये सर लो, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ कायदे कानून हैं जो फॉलो करने होते हैं, ओके इंश्योर्ड को और इंश्योरर को, दोनों को। सो देखते हैं पहला कौन सा प्रिंसिपल है, ऑटमोस्ट गुड फेथ, ऑटमोस्ट गुड फेथ। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, ये सर लो, सो टू पर्सन के बीच में, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, एक तो आपका कंपनी इंश्योरेंस कंपनी और दूसरा आपका जो इंश्योर्ड होगा जिसे कंपेंसेशन मिलेगा, ये सर लो, जैसे हम लोग आप लोग। सो ये दो लोगों के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो दोनों का विश्वास होना बहुत जरूरी है। फेथ का मतलब होता है ऑटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है विश्वास। क्यों, मान लीजिए कि जैसे जो इंश्योरर है या फिर जो इंश्योर्ड है, हम लोग हैं, हम लोग भी कुछ छुपाना नहीं है उनसे, कि सारे बातें बतानी होगी इंश्योरेंस कराने के पहले, जो भी बातें होती है कि ऐसा 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 मेरा कंडीशन है, मेरा हेल्थ का कंडीशन ऐसा है, या फिर मेरा आप किसी बाइक का इंश्योरेंस करा रहे हो तो कब लिए थे, पूरी चीज डिटेल में आपको इंश्योरेंस कंपनी को पता नहीं होगी, और इंश्योरेंस कंपनी भी डिटेल में आपको सब चीज बताएगा कि ऐसा ऐसा कंडीशन होगा तब आपको आपको कंपेंसेशन मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो छुपाना कोई भी बात किसी को नहीं है, ना ही इंश्योरेंस कंपनी छुपाएगी, ना वो पर्सन छुपाएगा, ओके सो पूरा बात विश्वास पे जमा हुआ है, तो पूरा बात बताना जरूरी है 100%। सो ऑटमोस्ट गुड फेथ, फेथ का मतलब होता है विश्वास। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के मुताबिक इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ। इंश्योरेंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसके ऊपर बेस्ड है, विश्वास के ऊपर। द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर, इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों, इंश्योरर मीन्स जो कंपनी है, इंश्योर्ड मीन्स हम लोग आप लोग, तो द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को सारा फैक्ट बताएंगे, इंश्योरेंस कंपनी अपना फैक्ट बताएगा कि ऐसा ऐसा कंडीशन होगा तब आपको जाके मिलेगा कंपेंसेशन, आपको तभी मिलेगा, हाँ, और हम लोग भी बताएंगे कि हम लोग का कंडीशन कैसा है फुल डिटेल में, जो चीज का इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं उस चीज का फुल डिटेल देना जरूरी है। सो
The insured and the insurer must disclose all the material facts to each other, and both parties should hide any fact, should not hide any fact related to insurance policy. Or insurance policy के related कोई भी fact hide नहीं करना है. Okay? इसे कहते हैं utmost good faith. I hope आपको clear हो गया होगा. दोनों को विश्वास पे सारी सच्चाई बतानी होगी, सारी डिटेल में बात बतानी होगी कि मेरे तरफ से ये है, आपके तरफ से ये है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना. ओके, गॉट इट. अब आते हैं दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी. इंश्योरेंस जो चीज का इंश्योरेंस पॉलिसी करा रहे उसमें उसका इंटरेस्ट हो, हाँ, उस चीज से उसको लगाव हो, प्यार हो. ये सर नो, अब आप जिस चीज का इंश्योरेंस कराने वाले हो वो चीज आपका ही नहीं हो. आप कहीं से चोरी करके लाए हो, आपका किसी कोई कार आप चोरी करके लाए हो, उसका इंटरेस्ट करा इंश्योरेंस करा रहे हो तो ये गलत है. किसी दूसरे का कंपनी में आप इंश्योरेंस करा लिए हो, किसी दूसरे का कंपनी है, मान लो फैक्ट्री है, उसमें आपने आपका तो है नहीं, आप ओनर हो नहीं, लेकिन फिर भी आपने इंश्योरेंस करा रखा है उसका. तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, वो चीज आपका होना आप बहुत जरूरी है. ये सर दूसरे किसी का होना जरूरी नहीं है, वो नहीं चलेगा. तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी. विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज गैम्बल. ये गैम्बल कहलाएगा, ये फ्रॉड कहलाएगा, और इस एक्टिविटी को एंड द लॉ डज नॉट परमिट इट. इस एक्टिविटी को लॉ परमिट नहीं करती, इंश्योरेंस परमिट नहीं देगी. अगर मान लो आप किसी चोरी का बाइक का इंश्योरेंस करा रहे हो, तो ये एग्जांपल हुआ ना. सो आपका प्यार होना पड़ेगा उस चीज से, आपको लगाव होना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा चीज है, हम इसको अच्छे से रखते हैं. तो आप दूसरा का है आप करा लोगे, छोड़ दोगे, अरे इंश्योरेंस तो हो चुका है ना, क्या दिक्कत है, चोरी हो जाएगा पैसा मिल जाएगा. तो ऐसा नहीं, आपका होना पड़ेगा वो चीज, आपको उस चीज पे इंटरेस्ट होना पड़ेगा. यस और नो? तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. गॉट इट. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. इंश्योरेंस कराना मतलब प्रॉफिट के लिए हम लोग इंश्योरेंस नहीं कराता, इंश्योरेंस बस कॉम्पेंसेट करती है. आप जिस हालात में थे उस हालात में आपको वापस ला देगी. मान लो आपका बिजनेस था, हाँ, आग लग गया, 2 लाख का आप इंश्योरेंस करा कर रखे हो, हाँ, 1 लाख का नुकसान हुआ, तो 1 लाख ही देगी वो, 2 लाख नहीं देगी. Yes or no? तो 1 लाख ही देगी. उसका आपको मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है, मेन मोटिव है कंपेंसेट करना. आप जिस हाल में थे पहले उस हाल में वापस इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि आप जिस हाल में पहले थे उस हाल में हम वापस कर देंगे, आपको ठीक कर देंगे, आप फिर से शुरुआत कर सको, आपको कंपेंसेट कर दिया जाएगा कि जितना का नुकसान होगा आपको उतना कंपेंसेट कर दिया जाएगा. अब आपने भले 10 लाख का इंश्योरेंस कराया हो, आपका 2 लाख का नुकसान हुआ है, तो 2 लाख रुपए आपको कंपेंसेट कर दिया जाएगा ताकि आप फिर से शुरुआत से सही से शुरुआत कर सको. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. इंश्योरेंस ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस इज टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन. उसका मेन काम है कि इंश्योर्ड जो था, हम लोग जो है इंश्योर्ड है, तो वो पर्सन सेम फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाए. उसके बाद कुछ लॉस हुआ है, उसको कंपेंसेट करके सेम फाइनेंशियल पोजीशन में ला देना, ताकि वो वहां से फिर से ग्रो कर सके, शुरुआत कर सके. ओके, सो ये था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी मतलब इट्स नॉट ए मेकिंग प्रॉफिट, द मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक ए प्रॉफिट. ओके, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन. अब कंट्रीब्यूशन कैसे? According to this principle, if a person has taken more than one insurance policy for the same subject matter, then all the insurer will contribute the amount of loss and compensate him for the actual amount loss. मान लो आपने आपने ये मान लो प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का आपने दो जगह से करा रखा है इंश्योरेंस, दो कंपनी से. तो जब आपका कुछ लॉस होगा, कुछ एक्सीडेंट होगा या कोई बात हो जाएगी, तो आप दोनों से पैसा ले लोगे. लेकिन ऐसा नहीं है, आप दोनों से नहीं ले सकते. ऐसा ऐसे कैसे कर सकते हो आप कि इससे भी करा लिए हो, आप 3 जगह से करा लिए हो मान लो, या 2 जगह से करा लिए हो, तो आप दोनों से पैसा नहीं ले सकते. तो ये दोनों कंपनियां, ये इंश्योरेंस कंपनी और ये इंश्योरेंस कंपनी आपस में बात करके आपको
कंट्रीब्यूट करेगी, इसका जो हिस्सा होगा वो करेगी, इसका जो हिस्सा होगा वो करेगी, फिर आपको अपना कंपेंसेशन मिल जाएगा, दोनों कंपनियां करेगी। अगर आप नहीं बताओगे तो कंपनी आपस में बात करके वो कर देगी। ओके, सो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन करना होगा दोनों को। ये नहीं कि आप इधर से भी पूरा 1 लाख ले लिए, इधर से भी ले लिए, तो ऐसे डबल डबल हो जाएगा ना, तो डबल डबल नहीं करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ ए पर्सन हैज टेकन मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम सब्जेक्ट सेम चीज का मैटर, देन ऑल द इंश्योरर, जो भी इंश्योरर होगा, यहाँ पे मान लो 2 है, सो ऑल द इंश्योरर विल कंट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ लॉस एंड कंपेंसेट हिम फॉर द एक्चुअल अमाउंट लॉस। जो एक्चुअल अमाउंट लॉस होगा उसे कंपेंसेट दोनों मिलके करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। अब ये क्या होता है पढ़ते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन द इंश्योर्ड इज कंपेंसेटेड फॉर द लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हिम, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासेस ऑन टू द इंश्योरर। क्या होता है, जब कंपेंसेट कर देता है इंश्योरेंस कंपनी, मान लो बाइक का इंश्योरेंस था, ठीक है, जो भी यही है, बाइक का इंश्योरेंस था और बाइक का इंश्योरेंस का कंपेंसेट कर दिया है मान लो, ठीक है, तो कंपेंसेट बाद मान लो एक्सीडेंट हो गया, बाइक का इंश्योरेंस कंपनी ने कंपेंसेट कर दिया, तो उस कंपेंसेट करने के बाद बाइक का जो ओनरशिप होता है ना, वो किसके पास चला जाता है, इंश्योरर के पास चला जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाता है, उस पे हक उसका हो जाता है। नहीं तो मान लो कंपेंसेट कर दिया, मान लो आपको पैसा तो मिल गया, ठीक है, कंपेंसेशन का पैसा मिल गया, ऊपर से आप बाइक ले लिए और बाइक को भी बेच दिए, तो डबल डबल हो जाएगा। इसीलिए और पहले ही बता दिया हम लोग प्रिंसिपल में, इट्स नॉट ए मोटिव ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव से तो है नहीं, कंपेंसेशन है। तो आप खुद ही सोचो कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एक बार व्हेन द इंश्योर्ड इज कंपेंसेटेड, जब इंश्योर्ड को कंपेंसेशन मिल जाएगा जो भी लॉस या डैमेज हुआ होगा टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हिम, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासेस ऑन टू द इंश्योरर, तो उसका ओनरशिप किसके पास पास हो जाएगा, कंपेंसेशन देने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के पास हो जाएगा पास। तो उस बाइक मान लो कार का एक्सीडेंट हो गया, कंपेंसेशन मिल दिया गया और कंपेंसेशन देने के बाद वो इंश्योरेंस कंपनी के पास कार चली जाएगी। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज मतलब जिस, जैसे हम लोगों ने पहले ही देखा कि एग्रीमेंट पहले ही गुड फेथ पे होना चाहिए, यस और नो, ऑटमोस्ट गुड फेथ। सो अब एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है कि ये कारणों से आपका कुछ प्रॉपर्टी में डैमेज हुआ या लॉस हुआ, तब हम लोग कंपेंसेट करेंगे, यस और नो। सो मान लो कोई नेचुरल कैलमिटीज की वजह से आ गया कुछ, अगर मान लो कुछ नेचुरल कैलमिटीज की वजह से आपका कुछ लॉस हो गया प्रॉपर्टी में, तो ये उसका भरपाई नहीं करेगी इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि उसमें लिखा रहता है अगर ऐसा ऐसा कारण हुआ तब हम लोग कंपेंसेट करेंगे। अगर मान लो कुछ नेचुरल कैलमिटीज की वजह से कुछ नुकसान हुआ तो वो नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा एक मूवी OMG में था, है OMG में था। सो उसमें जैसे दिखाता है, हाँ उसी में था, उसमें जैसे दिखाता है कि आपका लॉस होता है तो उसको कंपेंसेट नहीं करता क्योंकि उसका अर्थक्वेक की वजह से आया होता है। सो ये ठीक वैसे ही आपका क्या है, प्रॉक्सिमेट कॉज होना पड़ेगा, एक अच्छा कॉज होना पड़ेगा जो डिफाइन किया गया है इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में। सो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कॉज और रीजन फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इफ लॉस इज ड्यू टू सम अदर कॉज देन द इंश्योरर कैन डिनाई टू पे द कंपेंसेशन, तब वो मना कर सकता है, या तो थोड़ा देगा या तो देगा ही, मना कर सकते कि नहीं इस कॉज के वजह से आपका डैमेज हुआ है, हम लोग नहीं देंगे, हम लोग कंपेंसेट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा ऐसा कंडीशन था ही नहीं हम लोग के रूल्स एंड रेगुलेशन में। ओके, सो एक अच्छा कॉज होना पड़ेगा। सो नेक्स्ट नंबर 7, विच इज द लास्ट वन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन लॉस। अब ये क्या, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the insured must take care of his property or subject matter of insurance in the same way as he would take care without taking the insurance policy. So, आप insurance करा लिया, आपका car है, फिर छोड़ दिया, अरे insurance तो है ना, क्या करना है, आराम से कुछ problem होगा पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपका, उसी लिए देखो इसमें था ना insurable interest, interest होना पड़ेगा आपको, उसे चाहत होना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा सामान है, मेरा चीज है, मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे ध्यान रखना है,
इंश्योरेंस कराने के पहले भी, इंश्योरेंस कराने के बाद भी. So the insured should not become careless of his property after taking insurance policy. Careless नहीं होना है कि हाँ insurance करा लिया, अब क्या करना है, वो तो कुछ भी वो आगे पैसा नहीं देगी insurance company, ऐसे ही नहीं देगी, वो छानबीन करेगी, वो cause देखेगी, proximate cause होगा तभी देगी. Okay, कुछ real cause होना पड़ेगा कि हाँ आपने आग जानबूझ के नहीं लगाई, क्या पता आप आग लगा हुआ आप बैठ के देख रहे थे मतलब लगने तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपने कोशिश की हो उस आग को बुझाने का. ओके, सो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन लॉस. ओके, आपको केयरलेस नहीं होना है, आपको केयर करना है उस प्रॉपर्टी को, इंश्योरेंस के बाद भी, इंश्योरेंस के पहले भी. सो आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्लियर हो गया होगा, एक बार और देख लीजिएगा. ठीक है, सो गाइस थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें.